मेरे खुदावंद का शुक्र उसके कदूस नाम की तारीफ और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे और हम इसी तरह खुदावंद के कदमों में झुकते रहें, आमीन। आइए आज एक बार फिर बड़े शुक्रगुजार दिलों के साथ अपने खुदावंद के आगे झुकें और खुदावंद से एक नया जोश, एक नई कुवत मांगें, खुदावंद से पाक रूह का धुना मसा मांगें, क्योंकि ये ज़रूर है कि हम खुदावंद में रोज़ बरोज़ ताज़ा दम हों। क्योंकि जब हम खुदावंद में रोज़ बरोज़ ताज़ा दम नहीं होते, हम खुदावंद से नई एनर्जी को नहीं लेते, ताज़ा मसा को नहीं लेते, तो मेरे अजीजों हम फिर उसी सुस्ती और लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। सो ज़रूर है कि हम खुदावंद से जुड़े रहें, उससे लिपटे रहें, ताकि रूहानी जिस्मानी तौर पर हम आगे बढ़ते चले जाएं। आइए आज एक बार फिर हम खुदा के कलाम में से सीख लेते हैं, मेरे साथ देखिएगा नए अहदनामा में से पत्रस रसूल का पहला आम खत, उसका पांचवां बाब और उसकी आठवीं आयत से कलाम खुदा में कुछ इस तरह से मरकूम है। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। मेरे इस खूबसूरत आयत में हम देखते हैं खुदा का खादिम, खुदा का बंदा, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें होशियार और बेदार रहना है। जब हम सुस्त पड़ जाते हैं, जब हम लापरवाह हो जाते हैं, जब हम नींद की हालत में चले जाते हैं, तो मेरे अजीजों अब्लीस जो है वो हम पर अटैक कर सकता है, वो हमें परेशान कर सकता है, वो हमें धोखा दे सकता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो किसकी मानिंद है, वो शेरे बब्बर की मानिंद है, शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। अगर आप शेर को जानते हैं तो आप सब जानते होंगे कि किस तरह से शेर जब भूखा होता है तो वो फिर अपने शिकार की तलाश में निकल खड़ा होता है। बिल्कुल यही हाल अब्लीस का है, उसे भूख है खुदा के लोगों को तंग करने की, खुदा के लोगों को उनकी राह से हटाने की, खुदा के लोगों को उनके निशान से हटाने की भूख है उसे अजीजों। क्योंकि वो जानता है कि उसके दिन थोड़े से रह गए हैं और इस थोड़े वक्त में वो बहुत सारा काम करना चाहता है, और आज के दौर में तो खासकर बहुत ही ज्यादा। और वो धाड़ता फिरता है, वो पागल हुआ फिरता है कि किसको फाड़ खाए। आज अगर हम अपने आप पर गौर करें तो ऐसी बहुत सारी चीजों में हम जकड़े गए हैं। आज बहुत सारी चीजों ने मेरे अजीजों हमें बर्बाद कर रखा है, हमें तंग कर रखा है, हमें परेशान कर रखा है, लेकिन हमें बिल्कुल भी उसका एहसास नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि अब्लीस सबसे पहले हमारी अक्ल को अंधा कर देता, मौफ कर देता है वो हमारी अकल को, और हम हर एक बात को बहुत ही लाइट लेते हैं, बहुत हल्का लेते हैं, हमें गुनाह गुनाह नहीं लगता, क्योंकि हमारी अकलें तारीक हो जाती हैं, हमारी अकलें अंधी हो जाती हैं और हम नहीं देख पाते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वो हमें मूड जैसी खराबी में मुब्तला कर देता है, मूड के हम गुलाम बन जाते हैं। मतलब जब हमारा मूड अच्छा होगा तो हमने काम करना है, अब हमारा मूड अच्छा नहीं तो हमने काम करना है। और मैंने तो यहाँ तक बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपने मूड के इतने गुलाम हैं, इतना अपने मूड को लेकर चलते हैं कि वो बात भी अपने मूड के मुताबिक करते हैं। अगर उनका दिल करेगा, उनका मूड है तो उन्होंने किसी से बात करनी, अगर उनका मूड नहीं तो वो किसी से बात भी नहीं करते। कितना गलत रवैया, कितना बुरा रवैया है कि हम अपने मूड को ताबे नहीं करते, बल्कि हम मूड के ताबे हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अब्लीस की चाल है और खुदा से दूरी की निशानी है।
एक बात तो हमें याद रखनी चाहिए, हमारा मूड हो या ना हो, जो काम हमने मुकरर किया है, जो जिम्मेदारी हमने ली है, जो रिश्ते हमने निभाने हैं, जो काम हमने करने हैं, वो तो हमें करने ही करने हैं, चाहे हमारा मूड हो या हमारा मूड ना हो। हमने अपने मूड को फना करना है, उसके मुखालिफ जाना है, उसको लताड़ना है, उसको हराना है, उस पर फतह पानी है, क्योंकि खुदामंद खुदा ऐसा हमसे चाहता है। खुदामंद खुदा चाहता है कि तुम अब्लीस का मुकाबला करो और उसके सारे हथकंडों का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। अगर हम इफिसियों की, बड़ी खूबसूरत आयत है इफिसियों की किताब में लिखा हुआ है, इफिसियों का खत जो पौलुस रसूल ने लिखा इफिसस की कलीसिया के नाम, 4:27 आयत देख सकते हो आप, उसमें लिखा हुआ है अब्लीस को मौका ना दो, क्योंकि जब हम अब्लीस को मौका देते हैं तो वो हम पर हावी हो जाता है। याकूब के खत में लिखा है उसके 4:7 आयत में, तुम अब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अच्छा, कई बार वो हमें बेख्वाबी की शिकायत में भी मुबतला कर देता है, हमें नींद ही नहीं आती, हम परेशान हो जाते हैं, नींद आ जा, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, क्यों? इसलिए कि अब्लीस हावी हो रहा है, वैसे ख्यालात हमारे जहन में भरना शुरू हो जाता है, भरना शुरू कर देता है कि हम नींद जैसी नेमत को तरस जाते हैं। अच्छा, कई बार हम फैशन की लगन में इतना मगन हो जाते हैं कि हमें बिल्कुल किसी बात का लिहाज नहीं रहता, किसी बात का ख्याल नहीं रहता, हम हर तरह का गंदा फैशन भी करना शुरू हो जाते हैं। और आज आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हो जिनके अजीब अजीब फैशन है, और दूसरे एक बार देखकर दूसरी बार देखने पर ज़रूर मजबूर हो जाते हैं। मैं जर्मनी में थी, जब जर्मनी से मैं वापस दुबई का सफ़र कर रही थी, तो एयरपोर्ट पर मैंने एक ऐसे शख्स को देखा जिसके टैटूज थे, और ऐसे टैटूज थे कि मैंने पहले लोगों की बॉडी पे, मतलब बाजू पे देखा, ऐसे लोगों की लेग्स पे भी होते हैं, कमर के पीछे कुछ लोगों ने बनाए होते हैं, अपनी आर्म्स पे बनाए होते हैं, लेकिन उस शख्स ने अपने फेस के ऊपर, पूरा फेस जो था उसका बिल्कुल रंग बिरंगा हुआ था, पूरा फेस उसका मतलब पहचाना नहीं जा रहा था कि वो इंसान है। और मैं वाकई ही सोचने पर मजबूर हो गई कि ये शैतान है या इंसान है। मेरी बेटी मेरे साथ थी, मैंने कहा ये इंसान तो किसी हाल में भी नहीं लग रहा, ये तो शैतान लग रहा है, ये तो अजदहा लग रहा है, ये तो अब्लीस है। क्योंकि मेरे अजीजों, हमारे खुदावंद ने सख्ती के साथ मना कर रखा है कि तुम अपने बदन को मत गुदवाना, उस पर किसी तरह का कोई टैटू, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम तो पहले ही बड़े खूबसूरत बनाए गए हो। सो फैशन का अंधाधुंध इस्तेमाल और जायज और नाजायज तौर पर फैशन को अपना लेना बहुत गलत बात है। औरतों को मैं देखती हूँ, मर्दों को भी देखती हूँ, इतना गंदा फैशन, इतना अजीब फैशन करते हैं कि देखकर रूह जो है वो कांप जाती है, आंखों में आंसू कई बार आ जाते हैं कि ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है। मेरी अजीज बहनों, बेटियों जो आज सुन रहे हो, और मेरे भाइयों भी, मेरे बेटों भी, खुदावंद खुदा कहता है कि हमें हयादार लिबास इस्तेमाल करना चाहिए। आज खुदा के घर में, इबादत में लोग शॉर्ट पहन कर आ जाते हैं, घुटनों तक छोटी छोटी चड्डियां मर्दों ने भी पहनी होती हैं, और वो दुआ में आके बैठ जाते हैं। कभी किसी के घर में ऐसा विजिट किया जाए, बाहर के ममालिक में तो बहुत आम बात है कि शॉर्ट्स, आजकल बल्कि पाकिस्तान में भी है, हर जगह पे, हम किसी भी मुल्क को आज बुरा नहीं कह सकते कि वहां ये है और यहां नहीं, आजकल पूरी दुनिया में ये वबा जो है फैली हुई है और कोई लिहाज नहीं रखा जाता, शॉर्ट्स पहनकर घरों में घूम रहे हैं, कोई हया नहीं, कुछ नहीं। औरतें भी इसी तरह, क्या कहूं अब मैं, बहुत ही बुरे लिबास जो हैं वो औरतें, लड़कियां जो हैं वो भी इस्तेमाल करती हैं। ये सब एक्चुअली अब्लीस की चालें होती हैं। कई बार हम दूसरों पर नुक्ताचीनी करना शुरू हो जाते हैं, तनकीद करते हैं, बिला वजह की तनकीद करते हैं, और हम समझते हैं कि नहीं, हमने तो बड़ा अच्छा काम किया, हम तो सच्ची बात बोल रहे हैं। लेकिन कई बार हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, हमें बात को समझना चाहिए कि आया वाकई ही ये नसीहत, ये तनकीद, या ये जो नुक्ताचीनी कर रहे हैं, ये खुदा के कलाम के मुताबिक है या अब्लीस हमें वरगला रहा है ताकि हम
लोगों में अफरा तफरी को फैलाएं और ग्रुप्स में आकर हम दूसरों के जहनों को भी खराब करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत हौसला शिकन हो जाते हैं, मतलब हम हौसला हार जाते हैं, हम में हिम्मत नहीं रहती। ये भी अबलीस का एक बहुत ज़बरदस्त अतकंडा होता है कि वो हमें बेहौसला करता है। एक बात याद रखिएगा, खुदावंद खुदा हमारा हौसला देने वाला खुदा है, ताकत कुव्वत देने वाला खुदा है, सो उससे कुव्वत मांगते रहें। खुदावंद यीशु मसीह को भी अबलीस ने आजमाइश में डाला था। आप सब जानते हो कि जब 40 दिन के फाका 40 दिन और 40 रात के फाका के बाद खुदावंद को भूख लगी तो अबलीस आ खड़ा हुआ। वहाँ लिखा कि आजमाने वाला आ खड़ा हुआ और उसे आजमाने लगा, और 3 आजमाइशें खुदावंद यीशु मसीह के सामने रखी गई। इस पर हम फिर बात करेंगे और ज़रूर मैं इन आजमाइशों के बारे में बात करूंगी। सो खुदावंद खुदा हम सबको बरकत दे, हम ज़रूर अबलीस के हथकंडों को, उसके कामों को पहचानें, उसके हीले और हमलों को पहचानें कि वो किस तरह से इंसानों को वर्गलाता है। मेरे अजीज़ों, हमें ध्यान रखना चाहिए, रुपया पैसा अगर खुदा ने हमें दिया तो हम उसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, क्योंकि अबलीस हमें इस तरह से भी परेशान करता है। रुपया पैसा जब हमारे पास होता है तो हम उसको बेदरेग खर्च करना शुरू कर देते हैं। मैं एक बहन की स्टोरी पढ़ रही थी कहीं पे, वो उसके बारे में एक खुदा का खादिम बोल रहा था कि वो हर साल या 5-6 महीने के बाद अपना घर जो है वो शिफ्ट कर लेती थी, और फिर उसमें नया फर्नीचर डालना और नई नई चीज़ें उसमें, तो मतलब ये कहाँ की अकलमंदी है कि हम हर साल अपने घर को चेंज करें, अपने फर्नीचर को चेंज करें। अगर हमें खुदा ने दिया है तो हमें उस दिए हुए को किसी अच्छी जगह पे लगाना चाहिए, ताकि दूसरों का भला हो और खुदा के कामों में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके, ना कि इस तरह अपने पैसे को, रुपये पैसे को बर्बाद करें। सो खुदावंद खुदा हमें अबलीस के हमलों से, उसके हथकंडों से बचाए और हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन।